अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद। उसके जो एडमिशन ओपन हो चुके हैं, अगर आप यूनिवर्सिटीज एडमिशन के वाले से, स्कॉलरशिप के वाले से या आर्मी ज्वाइनिंग प्रोग्राम के वाले से इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसका सबसे पहले आपके साथ एडवर्टाइजमेंट फॉर्म शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ से जो ना आप देख सकते हैं कि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अगस्त है। एडमिशन नोटिस फॉर 2023, ठीक है। मेन कैंपस जो मुजफ्फराबाद में है, ठीक है, उसमें फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BS इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अंडर ग्रेजुएट जो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, बायोमेडिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर और MS प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस में BS इन अलाइड हेल्थ साइंस, उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियो वैस्कुलर टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और उसके बाद जो है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, सर्जरी एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री एंड BN साइंस, उसके बाद डायलिसिस, रेस्पिरेटरी थेरेपी, नर्सिंग, उसके बाद पब्लिक हेल्थ, उसके बाद डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी और डिफार्मेसी के डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम, उसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस में BS स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, BBA, BCom अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, उर्दू, सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, उसके बाद BEd एलिमेंट्री 4 ईयर, BEd सेकेंडरी 4 ईयर, LLB, BEd 1.2 ईयर और BEd 2.5 ईयर, उसके बाद PhD के प्रोग्राम है मैनेजमेंट साइंस, MPhil प्रोग्राम एजुकेशन उर्दू मैनेजमेंट और LLM। उसके बाद किंग अब्दुल्ला कैंपस में जो ना कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अप्लाइड जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, उसके बाद मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, उसके बाद स्टैटिक्स की डाटा साइंस, उसके बाद MS MPhil प्रोग्राम बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिक्स, उसके बाद PhD बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम है, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, इकोनॉमी, इस्लामिक इकोनॉमी एंड बैंकिंग, कश्मीर स्टडी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अरेबिक, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद अगर MPhil की बात करें तो इंग्लिश, इकोनॉमी, इस्लामिक स्टडी, कश्मीर स्टडी, उसके बाद PhD इकोनॉमी और इंग्लिश, और झेलम वैली कैंपस में कंप्यूटर साइंस इंग्लिश BEd 4 ईयर, और नीलम वैली कैंपस में जो है कंप्यूटर साइंस इंग्लिश और BS 5th सेमेस्टर जो है लेटरल एंट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, BCom पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमी, इस्लामिक स्टडी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उर्दू और हिस्ट्री। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है कि फॉर लेटरल एंट्री 5th सेमेस्टर द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी सबमिट एप्लीकेशन फॉर फॉर्म नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई अगेन, ठीक है। जो पहले सबमिट करवा चुके हैं वो जो ना उनके लिए वो जो ना जरूरी नहीं है कि फिर से जो ना वो सबमिट करवाएं, ठीक है। एडमिशन जो होगा वो फर्स्ट ईयर की बेस पे ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा वगैरह के स्टूडेंट जो ना अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूली ऑर्गेनाइज में पाकिस्तान बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कंप्लीट रिजल्ट ऑफ ADP, और यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइड कंप्लीट रिजल्ट ऑफ ADA, ADS, ADC और ADPS पार्टिकुलेट, मतलब ये जो है ना रिजल्ट कंप्लीट होना चाहिए तभी जो है ना 5th सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना डिफरेंट जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी जो है ना वो नीट बेस्ड स्कॉलरशिप, एथसास स्कॉलरशिप, USET स्कॉलरशिप, पाकिस्तान इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कांग्रेस, ठीक है, ये डिफरेंट जो है ना स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं। फिर आपने जो ना ऑनलाइन ही जो ना इसमें रजिस्ट्रेशन करनी है वो भी आपके साथ जो ना प्रोसीजर शेयर करता है। कैंडिडेट हुआ पास जो है ना रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट पार्ट वन का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल जो है ना अकॉर्डिंग टू द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। सारी जो है ना वो आपने जो भी इंफॉर्मेशन जो है शेयर करनी है जो आपके मेट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी है वो इंफॉर्मेशन जो है ना आपने शेयर करनी है। जनरेट ऑनलाइन फॉर्म 2000 फॉर्म है, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन वन डिपार्टमेंट कैटेगरी डिपॉजिट 700 पर एडिशनल फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है ना आप एक प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2000 जो है ना पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप दो प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो 700 मजीद ऐड कर दें, तीन में प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो मजीद 700 ऐड कर दें, ठीक है। नॉमिनेशन अगेंस्ट रिजर्व सीट्स थ्रू द नॉमिनेशन अथॉरिटी, ठीक है, कॉलेज, स्कूल, डॉटर सन, ठीक है। यहाँ पे जो ना आर्मी जनरल, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा वगैरह के, KP के वगैरह के, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज एम्प्लॉयज, ठीक है, यहाँ से जो ना आप देख सकते हैं। LLB के लिए जो ना लेटेस्ट कंपलसरी है, एंटी टेस्ट फॉर एडमिशन इज कंपलसरी इन फ्यू डिसिप्लिन, ठीक है। काइंडली चेक द डिटेल ऑन विजिट, तो वेबसाइट से ही आप जो ना डिटेल चेक कर सकते हैं। फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम PEC डेजिग्नेटेड टेस्टेड एंड टाइटल रिजल्ट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। मतलब UET वगैरह का जो टेस्ट है, जो मतलब अगर आपने जो ना ECAT वगैरह का कोई टेस्ट दिया हुआ है तो वो भी जो ना एक्सेप्टेबल है, ठीक है, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए। उसके बाद जो ना यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम HEC एडमिशन क्राइटेरिया 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए आपके टेस्ट में, ठीक है। PhD में 70% से अबव मार्क्स होने चाहिए। अटेंडेंस आर रिक्वायर्ड टू अटैच ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब आपने जो ना सारे जो ना डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट करने हैं,
ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी अटैच करना है एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाना है इंटरव्यू के वक्त। फ्रीजन स्टूडेंट में अप्लाई डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी। ठीक है, फॉरन स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी से ही अप्लाई कर सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट इन अ प्रोग्राम इन लेस दैन रिक्वायर्ड द डिसीजन ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस इज फाइनली रेस्ट विद द अथॉरिटी। ठीक है, अगर किसी भी प्रोग्राम में जो है ना वो किसी भी प्रोग्राम की जो ना वो क्लासेस मतलब स्टूडेंट जो है ना वो कम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है ना कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो ना स्टूडेंट कम मतलब पूरे नहीं हुए। ठीक है, तो वो फिर जो है ना यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो उसका क्या डिसीजन है। ठीक है, NOC वगैरह रिक्वायर्ड है, वो यहाँ से आप देख लीजिएगा। ऑल द एम्प्लॉय द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ऑफ NOC। ठीक है, एंटी टेस्ट जो है ना वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंटी टेस्ट इज मैंडेटरी। ठीक है, एप्लीकेशन एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 800 एज एंटी टेस्ट फी एंड सबमिट द चलान बैंक। ठीक है, 800 जो है वो एंटी टेस्ट की फी है, और उसके बाद जो है एप्लीकेंट इज अप्लाई मोर देन वन प्रोग्राम ही शैल बी डिपॉजिट 200 एज एंटी टेस्ट फी टू ईच एडिशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप एक प्रोग्राम का एंट्री टेस्ट दे रहे हो तो 800 रुपया जमा करवाना है, अगर दो का दे रहे हो तो फिर 200 ऐड कर देने, तीन का दे रहे हो तो 200 मजीद ऐड कर देने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट एंड इंटरव्यू BS प्रोग्राम का जो टेस्ट होगा वो 9 सितंबर को होगा। ठीक है, कंसर्न डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट, और उसके बाद MPhil और PhD का जो है वो 10 सितंबर को होगा। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट 14, सेकंड मेरिट लिस्ट 21, थर्ड मेरिट लिस्ट 28। ठीक है, कमेंसमेंट्स ऑफ क्लासेस 16 अक्टूबर को जो है ना वो आपके क्लासेस जो है ना वो जो है ना आप इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का मेन इंटरफेस है। ठीक है, यह से आप देख सकते हैं ये मेन जो है ना पेज है, फर्स्ट पेज। जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर लिखेंगे तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही इंटरफेस जो ना ओपन होगा। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से जो ना आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, सबसे पहले जो ना आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, जब भी आप जो ना किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो सबसे पहले जो ना अपना अकाउंट क्रिएट किया करें। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो ना आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, फादर नेम, CNIC, गार्डियन CNIC, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड कोई सा भी अपनी मर्जी से जो ना पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड। पासवर्ड कन्फर्म करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद जो ना आप यहाँ पे अपना CNIC एंटर करेंगे और पासवर्ड वही जो ना आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो आपने अपनी मर्जी से पासवर्ड लगाया था वही यहाँ पे करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन मतलब एजुकेशन इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम वगैरह सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट के वाले से बताएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी है 2000, वो आपने बैंक में सबमिट करवानी है। बैंक में सबमिट करवाने के बाद अगर चालान अपलोड करने का ऑप्शन हुआ तो आप चालान अपलोड करेंगे। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द में इतना एक वीडियो में था, तो दो मियाँ लिखेगा।